बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट द क्वेश्चन सीरीज, सो हम उसको नेक्स्टली आगे प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर सेल्फ। एंड हेयर आर दोज क्वेश्चंस। फर्स्टली दैट हु प्रपोज्ड द थियरी दैट सेल अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। तो जैसे कि अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, तो सेल थ्योरी जो आपके पास है, इन बिटवीन पहले अगर हम बात करते हैं अबाउट योर 1838 and 1839 के बारे में बात करें, तो 1838 and 1839 के टाइम पर आपके पास शॉन एंड चिल्ड्रन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पास सेल के बारे में ये चीज़ बताई थी कि सेल जो है आपके पास, एक आपका प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, और हर एक चीज़ जो है वो सेल की बनी है। बट एक बात पर जो है, जब उन्होंने सेल थ्योरी फ्रेम की, एक बात के ऊपर वो डिस्कशन कंप्लीट नहीं कर पाए, वो ये थी कि आखिरकार ये सेल बनते कहाँ से हैं। सो ये वाला पॉइंट जो है वो कवर अप किसने किया, ये कवर अप किया था आपका रोडोल्फ वर्चू ने इन 1855 में, राइट। हालांकि हमें मालूम है कि 1831 में ऑलरेडी आपके जो है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, एंड अर्नेस्ट हेकल का काम जो है वो आपके डिफरेंट कैटेगरीज में आपके पास प्रेजेंट है, जैसे इकोलॉजी में आप बात कर लो, आप किंगडम सिस्टम्स में बात कर लो वहाँ पर, और माहौल का तो आपके पास जो है आपका फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी प्रेजेंट है, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा, डैट इज़ योर रोडोल्फ वर्चू इन 1855। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गनली डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग। ऐसी कौन सी ऑर्गनली है हमारे पास, ऐसा कौन सी ऑर्गनल है हमारे पास जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गनल्स की बात कर रहा है, सो वैक्यूल के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, आप इसे टोनोब्लास्ट कहते हैं। पर ऑक्सीजोम्स के पास भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम योर ER स्ट्रक्चर, तो ये भी आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लाइजोसोम्स आर ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम दैट पार्ट, आपके गोल्गी अपैरेटस से, देन इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ सिंगल मेम्ब्रेन, बट योर राइबोसोम्स आर विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, राइट। इन प्रोकैरियोट्स इट्स योर 70s एंड इन यूकैरियोट्स इट्स योर 80s टाइम। सो आंसर इज बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इन हैविंग। प्रोकैरियोटिक सेल के पास और यूकैरियोटिक सेल के पास पहले हम देखते हैं यहाँ कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि उन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट है। तो तीन ऑप्शन हमारे पास यहाँ सामने है। फर्स्टली इज़ द सेल वॉल। सो सेल वॉल आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट रहती है और सर्टन यूकैरियोटिक सेल्स में भी आपके पास प्रेजेंट होती है, हालांकि उनकी कॉम्पोजिशंस जो है वो डिफरेंट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, दैट इज़ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, तो वो क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर मैम। सो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में फर्स्ट ऑप्शन हमें बोल रहा है सेल वॉल। हालांकि दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट उनकी कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग होती हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन इज बेसिकली प्रेजेंट इन योर यूकैरियोटिक सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक आपको बहुत मेजर सा डिफरेंस आपको दिख रहा है। हालांकि राइबोसोम्स आपके दोनों अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट राइबोसोम्स और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होती है। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा बी पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन ब्लू ग्रीन एल्गा, दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने बोला था कि इसकी जो सेल मैम्ब्रेन है, देयर इज एन एक्सटेंशंस, एंड डैट एक्सटेंशन जो आपके पास प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से आपका ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस जो है अपेयर कर सकता है, देन यू कॉल्ड इट एज क्रोमैटोफोर्स, देन यू कॉल्ड इट एज क्रोमैटोफोर्स। फाइटोक्रोम्स इज योर आपके क्या हैं, आपके पिगमेंट्स हैं, राइट, जो आपके पास फोटोसिंथेसिस साइकिल में आपके अपेयर होते हैं। मीजोसोम्स आर ऑल्सो द एक्सटेंशंस, बट द एक्सटेंशन ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन, जो सेल रेस्पायरेशन, सेल की रेस्पायरेशन, डिवीजन, सिक्रीशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड नेमेटोफोर्स आर योर नेगेटिव रूट्स, जैसे आपके मैंग्रोव ट्रीज में प्रेजेंट होती हैं, जो कि अपोजिट साइड जो है ग्राउंड के हमेशा
ग्रो करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएंगे, क्रोमैटोफोर्स, वो भी आपकी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन एंड योर ब्लू ग्रीन एल्गा जो हेल्प करता है साइनोबैक्टीरिया को फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पॉलीसोम्स। इन दिस क्वेश्चन बात कर रहा है व्हाट आर पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स किसकी चेन्स होती हैं। ऑक्सीसोम्स की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे पैड पर आपके पास जो अंदर इनर लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है उनको आप ऑक्सीसोम्स बोलते हो। राइबोसोम्स दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइट, एंड स्फेरियोसोम्स आर द प्लांट लाइसोसोम्स। देन नेक्स्ट वन इज योर डिक्टियोसोम्स, गॉल्गी अपरेटस जो है उसमें आपके स्कैटर्ड, सो डिक्टियोसोम्स आर द प्लांट में आपके जो प्लांट में आपके गॉल्गी अपरेटस होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, उनको आप बोलते हो डिक्टियोसोम्स। सो हेयर पॉलीसोम्स जो है आपके पास दे आर द चेन्स ऑफ योर राइबोसोम्स, या फिर आप इन्हें पॉलीराइबोसोम्स के नाम से भी जानते हो, राइट। देन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक बात की, एक्सटेंशन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज मीजोसोम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकर इन, इंटीग्रल मतलब इंट्रेंसिक प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा है, और हमें मालूम है इंट्रेंसिक प्रोटीन्स जो हैं आइदरली आपके पास जो है टोटली उसमें एम्बेडेड होते हैं या तो पार्शली एम्बेडेड होते हैं। सो आपके ये इनर अंदर वाले सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे और आपके ये समटाइम्स आउटर सरफेस के पास भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की है तो डैट मीन्स यहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेम्ब्रेन ऑफ योर इरिथ्रोसाइट, नेक्स्ट आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स हैज अप्रोक्सीमेटली -% ऑफ प्रोटीन्स एंड -% ऑफ लिपिड्स, तो इसका आंसर डायरेक्टली एनसीईआरटी का, दैट इज योर 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो सेल मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें लिपिड जो आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स में आपके पास एक पोलर हेड होता है, राइट, एंड आपके पास नॉन पोलर टेल्स प्रेजेंट होती हैं। आपका हेड जो है इट्स नॉट नॉर्मल हेड, इट्स द फॉस्फोलिपिड हेड, एंड देयर आर सम आपके पास जो है अनसेचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट टेल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट, जिसकी वजह से फ्लूडिडिटी मेंटेन हो पाती है एंड दैट पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, राइट, बिकॉज इट्स नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स नॉट मोनोसेक्राइड्स, राइट, दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। सो लिपिड्स हैं, लिपिड्स आर बेसिकली द फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड्स, बिकॉज ग्लिसरल्डिहाइड्स जो है ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर्स में आपके फैट्स के लिपिड्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मटीरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, इसी के डायरेक्टली एनसीईआरटी में अगर आप लाइन देखोगे तो आपको ये साथ ही दिखेगी, द बेस्ट मटीरियल फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द आरबीसीज ऑफ योर ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कैल्शियम पैक्टेट लेयर, तो कैल्शियम पैक्टेट लेयर की अगर हम थोड़े से कंसेप्ट की बात करें, आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल है एंड ये आपका सेकेंड सेल है, राइट, तो ये जो दोनों आपके सेल हैं इनके बीच में एडजेसेंट सेल के बीच की जो दीवार है, जैसे दो घर हैं, ठीक है, उन दो घर के जो बीच की कॉमन दीवार है जिसे आप क्या कहते हैं, मिडल लैमेला कहते हैं, राइट, इनर टू मिडल लैमेला जो है आपके पास लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आप कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर वाली तरफ बनेगी, राइट। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे ये मिडल लैमेला आ गया, तो ये इसकी एक्चुअल जो सेल की वॉल होगी आप इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी सेल वॉल, और इन बिटवीन जो सीमेंटिंग लेयर होगी आप उसको क्या बोलोगे, मिडल लैमेला। सो इन बिटवीन आपके पास जो इसके बीचों बीच एक लेयर बाद में बनेगी आप उसे कहते हो सेकेंडरी सेल वॉल। तो क्वेश्चन है आपका कि कैल्शियम पैक्टेट लेयर जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, राइट, सो आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं उनमें आपका सेलुलोज हेमी सेलुलोज की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहती हैं, बट आपकी मिडल लैमेला में जो है आपका कैल्शियम पैक्टेट जो लेयर है आपकी प्रेजेंट होती है, राइट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स. तो ये जो आपके घर की दो सेल्स की घर की खिड़की है जिसके थ्रू सामान इन एंड आउट मूव करता है, इसे आप क्या कहते हो? प्लाज्मो डेस्मेटा बोलते हो, राइट? प्लाज्मोलिमा इज अगेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है क्या करने के लिए? आपके पास प्रोटीन या लिपिड्स फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, राइट? एंड प्लास्टोक्यूरिन्स जो है ये आपका ईटीसी साइकिल का स्ट्रक्चर्स हैं आपके. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरली सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग. तो अगर हम बात करें, ये आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, राइट? इसके बाहर हम पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है एंड योर सेल मेम्ब्रेन है. तो ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट जो है ये आपका हेल्प करता है क्या करने के लिए? ग्लाइकोकैलिक्स ये आपका हेल्प करता है स्टिकी नेचर प्रोवाइड करने के लिए. एंड अगर ये टाइटली बाउंड है देन यू कॉल इट एज कैप्सूल, एंड अगर ये लूजली बाउंड है तो आप इसे बोलते हो स्लाइम. एंड दैट डिसाइड्स द वायरुलेंट कैपेसिटी ऑफ अ बैक्टीरिया, राइट? एंड उसके बाद आपके पास सेल वॉल आती है, सेल वॉल और उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल हार्ड है और सेल वॉल हार्ड होने की वजह से जब भी आपका सेल आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर चला जाता है या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में चला जाता है उस टाइम पीरियड पे, अभी यहाँ पे बोला है बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, तो मतलब आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर सेल होगा जिस टाइम में उस पर एंडोस्मोसिस होगी तो टर्जिडिटी बढ़ जाएगी. टर्जिट होने की वजह से प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा और आपकी जो सेल वॉल है वो प्रेशर कहाँ लगाएगी? अंदर की तरफ, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिवली आपका सेल जो है वो बर्स्ट होने से बच जाता है. तो आपके सेल वॉल इसका आंसर आ जाएगा कि सेल वॉल हेल्प्स द सेल फ्रॉम प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बर्स्टिंग, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ योर एंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम. डायरेक्टली आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. नॉट कंसीडर्ड बोला है, इस बात पे सबसे पहले फोकस रखोगे आप लोग. नॉट कंसीडर द पार्ट ऑफ योर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. तो एंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए. तो डैट इज योर GERL सिस्टम. दैट मीन्स गोल्गी, ER, राइट? आपका लाइसोसोम्स एंड योर वैक्यूल्स. तो ये आपको याद रखने हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर आपका पार्ट है एंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम का. सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स. तो तीन ऑप्शन आपको यहाँ से इस पॉइंट से सामने आपको करेक्टली दिख रहे हैं कि ये ऑप्शंस में हैं, राइट? लेकिन आपका पेरोक्सिसोम इसके अंदर कंसीडर नहीं होगा, ठीक है? आपका पेरोक्सिसोम इसमें कंसीडर नहीं होगा. तो आपको इस पार्ट से इस चीज़ को क्या करना है? याद रखना है. सो द नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER? RER जो है आपके पास प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है एंड SER आपका जो है वो लिपिड्स बनाने में काम करता है. तो सामने आंसर दिख रहा है, डैट इज बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए, जस्ट हमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में जैसे पता चला, साथ ही देखा गया आपके पास इसके इर्द गिर्द जो है आपके पास कुछ एक्सटेंशंस हैं एंड दैट वेरी फर्स्ट एक्सटेंशंस इज ऑफ ER. एंड ER जब देखा गया, ER के साथ ही साथ देखा गया कि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच है या नहीं. तो राइबोसोम अटैच साथ ही दिख गए तो आपका BNC आंसर आ जाएगा इसका, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली कहाँ से है? NCERT की लास्ट लाइन, गोल्गी अपरेटस की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है. तो आंसर इसका क्या है? गोल्गी बॉडीज इज द मेन साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको लिपिड्स, जिसे आप ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं, राइट? नेक्स्ट वन इज गोल्गी अपरेटस इज कंसर्न विद व्हाट. तो एक्सक्रीशन के साथ नहीं करता, बिकॉज एक्सक्रीशन का काम जो है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के किसी पार्ट का होगा. ATP सिंथेसिस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है. RNA सिंथेसिस में भी आपका ये पार्ट रोल प्ले नहीं करता, बिकॉज आपका न्यूक्लियस वहाँ कंसीडर्ड होगा. तो बचा कौन? डैट इज़ योर सिक्रेटरी पार्ट. इवन इसके अलावा भी अगर आप गोल्गी के बारे में याद रखोगे तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स दैट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम योर ER स्ट्रक्चर, राइट?
सो द नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम्स कंटेन. लाइजोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? लाइजोसोम्स आर फेमस फॉर अ वर्ड दैट यू कॉल इट एज सुसाइडल बैग्स. एंड सुसाइडल बैग्स इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स सम एसिडिक एंजाइम्स दैट यू कॉल्ड इट एज हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स, जिसकी वजह से एक तो सेल डेब्रिस को ये क्या करता है, फिनिश करता है, और साथ ही साथ जो है समटाइम्स जब वही सिक्रेशन अपने ऊपर हो जाती है देन यू कॉल इट एज सुसाइडल बैग्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन एमीबा. तो आपका एमीबा जो है राइट, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? वैक्यूल आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर योर एम्प्टी स्ट्रक्चर्स, डिपेंडिंग ऑन वो क्या फंक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से आप वैक्यूल को नाम देते हो. फूड वैक्यूल अगर खाना स्टोर हो रहा है, सैप वैक्यूल अगर लिक्विड स्टोर हो रहा है. सैप मतलब लिक्विड, ठीक है. फूड में अगर फूड स्टोरेज हो रहा है देन यू कॉल्ड इट एज फूड वैक्यूल. गैस वैक्यूल कॉल्ड व्हेन अगर गैस प्रेजेंट है इसमें, दैट हेल्प्स इन द फ्लोटिंग. एंड द लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल, नाम से पता चल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दैट मीन्स अमीबा के स्ट्रक्चर में वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है. वी डोंट सी एनी टाइप ऑफ सिस्टम इन अमीबा. सो आपके पास यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, जिसकी वजह से जो अमीबा के पास वेस्ट है वो बॉडी से बाहर जा रहा है. तो डैट मीन्स इट हेल्प्स इन क्या क्या करने में, एक्सक्रीशन एज वेल एज इन ऑस्मो रेगुलेशन. डैट मीन्स आपके सॉल्ट और वाटर के कॉम्पोजिशन को भी साथ साथ क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बोथ द मेम्ब्रेन्स ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया आर. माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मेम्ब्रेन की बात करें, वन इज योर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है जिन्हें आप क्या कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं क्रिस्टे, राइट. एंड इन दिस क्रिस्टास यू हैव ऑक्सीजोम्स. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज मोर पोरस एज कंपैरेटिवली टू द इनर मेम्ब्रेन. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है और उसके फंक्शन में भी डिफरेंस है, क्योंकि अंदर वाला पार्ट जो है वो इम्पैक्ट करता है सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन, राइट. सो आपके पास इट्स स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली इट इज डिफरेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिड्स आर फाउंड इन. प्लास्टिड्स किस में मिलते हैं? एनिमल सेल में तो नहीं मिलेंगे आपको, राइट. दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट. अब यहाँ पे देखने आपको प्लांट सेल में मिलते हैं खाली, या प्लांट सेल के साथ यूग्लिनॉइड्स में भी मिलते हैं. सो हमने यूग्लिनॉइड्स के बारे में स्पेशल चीज पढ़ी है कि दे शो मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स इट ऑल्सो शोज ऑटोट्रॉपिक एंड इट हैज अ स्पेशल फीचर. इट हैज सम मेम्ब्रेन दैट यू कॉल्ड इट एज पेलिकल मेम्ब्रेन. इट हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स. तो आपके पास प्लास्टिड्स जो हैं प्लांट सेल्स में भी एज वेल एज यूग्लिनॉइड्स में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिड्स दैट स्टोर फैट. सो अमाइलोप्लास्ट अमाइलेस एंजाइम, याद रखो किस पे काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे. तो वो प्लास्टिड्स जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं उनको आप अमाइलोप्लास्ट कहते हो. जो प्रोटीन स्टोर करते हैं उन्हें आप प्रोटियोप्लास्ट, और यू कैन ऑल्सो से इट एज एल्यूरोप्लास्ट, राइट. दोनों नाम इसी के लिए यूज किए जाते हैं बिकॉज एल्यूरो वर्ड जो है ये मेज के स्ट्रक्चर से आया है. मेज में एक लेयर होती है डेट यू कॉल्ड इट इज एल्यूरोइन लेयर, वहाँ से ये नाम है. दैट स्टोर्स हाईली प्रोटीन इन इट. देन द नेक्स्ट पार्ट इज फैट्स. फैट्स जो स्टोर करते हैं देन यू कॉल इट एज एलियोप्लास्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर इज एलियोप्लास्ट. इवन योर पायरिनॉइड्स जो हैं दे आर ऑल्सो द फीचर्स दैट यू हैव सीन इन केस ऑफ यूलिना, ठीक है. आपके स्टार्च कोटेड प्रोटीन्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो आपके यूग्लिना के स्ट्रक्चर में पायरिनॉइड्स भी देखने को मिलते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज द ग्रैना. ग्रैना आर व्हाट. तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपके पास
थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इन द स्टैक्स एंड दैट स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स इज कॉल्ड एज ग्रैनम. एंड बहुत सारे ग्रैनम्स की कलेक्शन को आप बोलते हो ग्रैना एंड द सिंगल वन इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड. अब आप ऑप्शन में देख लो क्या आंसर आएगा इसका. ग्रैना पूछा है राइट तो आपके पास दैट इज द स्टैक्स नॉट स्टैक इट्स स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स राइट. तो मतलब ग्रैनम का ग्रुप को आप क्या बोलोगे ग्रैना बोलोगे इंडिविजुअल थैलाकॉइड को नहीं बोलोगे ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ योर साइटोस्केल्टन. आपके साइटोस्केल्टन की तीन ही चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं दैट इज़ योर माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स एंड योर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तीन चीज़ें हैं. काइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल होती है उसकी कॉम्पोजिशन होती है ठीक है. कार्टिलेज एंड बोन्स आर योर स्केल्टन सिस्टम का पार्ट है आपका. सॉफ्ट वन वाली को आप कार्टिलेज कहते हो ठीक है जिसमें आपकी जो है सॉल्ट्स की एक्यूमुलेशन कम होती है और जिसमें सॉल्ट्स की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है उसे आप बोन कहते हो राइट. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द साइटोस्केल्टन इज अ प्रोटीनिशियस नेटवर्क. ऊपर वाले क्वेश्चन से देख सकते हो रिलेटेड है चीज. इट्स अ प्रोटीनिशियस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन द साइटोप्लाज्म. तो क्या काम करने के लिए हेल्प करते हैं. सो बेसिकली साइटोस्केल्टन आपके तीनों मैंने आपको बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हेल्प करते हैं क्या क्या करने के लिए. सेल को स्ट्रक्चरली प्रोवाइड करते हैं सेल को मेंटेनेंस देते हैं ताकि एक पर्टिकुलरली काम कर सकें उसकी शेप मेंटेन कर सकें सीलिया फ्लैजला के स्ट्रक्चर्स बना सकें सेल डिवीजन में हेल्प कर सकें. तो आपके पास मोटिलिटी ठीक है मोमेंट में भी क्योंकि सीलिया फ्लैजला हेल्प करेंगे तो मूव करने में भी हेल्प करेंगे. उसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट इवन ऑर्गनल्स को पर्टिकुलरली जगह पर फिक्स करने के लिए जो है आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स काम करते हैं. सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ साइटोस्केल्टन. सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोनीम. सो व्हाट आर एक्सोनीम्स. एक्सोनीम्स बेसिकली आर द सेंट्रियोल की अगर हम बात करें सो सेंट्रियोल जो आपका है ये सेंट्रियोल जो है आपका ये एक्सटिंक्ट होता है ठीक है टू फॉर्म बेसल बॉडीज. बेसल बॉडीज जो है इट एक्सटिंक्टेड आउट मतलब ये एक्सटेंट होगी आगे जाकर आपकी सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ. तो ये एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे शाफ्ट या आप एक्सोनीम पार्ट कहते हैं मतलब शाफ्ट का जो कोर पार्ट होता है उसको आप एक्सोनीम कहते हो. एंड बेसिकली अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. यहाँ आपका सेंट्रियोल है यहाँ पे आपके क्या ये चेंज होता है इनटू योर बेसल बॉडीज और यहाँ पे प्लेट होती है जिसे आप बेसल प्लेट कहते हो. एंड दैट बेसल प्लेट जो है ये एक्सटेंड होती है टू फॉर्म एन शाफ्ट और इस शाफ्ट के कोर में आपके पास प्रेजेंट होता है एक्सोनीम जिसके थ्रू आप सीलिया और फ्लैजला का स्ट्रक्चर देख सकते हो. अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास 9+2 का अरेंजमेंट आपको एक्सोनीम में किसका मिलेगा. तो पहले ही मैंने आपको बता दिया एक्सोनीम में दो चीज़ें होती हैं डैट इज़ योर सीलिया एंड फ्लैजला. बट योर सेंट्रियोल जो है इट शोज 9+0 का अरेंजमेंट राइट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक फ्लैजला डिफर्स इन व्हाट. सो बेसिकली आपके पास जो इनका प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. आपका जो इसमें मॉलिक्यूलर आपका माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है और इवन उनका जो फंक्शन है वो भी क्या है डिफरेंट है. मतलब फंक्शन इन द सेंस कि उसकी जो मूवमेंट है वो भी क्या है डिफरेंट. तो पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट. तो मूवमेंट तो डिफरेंट है बट प्लेसमेंट डिफरेंट नहीं है. लोकेशन एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग तो ऐसा भी नहीं है. देन नेक्स्ट वन इज़ योर माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन. फंक्शन बेसिकली क्या है सेम मोमेंट में हेल्प कर रहा है लेकिन किस टाइप की मोमेंट है उसका डिफरेंस है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइप ऑफ मोमेंट आंसर आ जाएगा इसका. बेसिकली अगर आप बात देखो तो प्रोकैरियोटिक जो आपका फ्लैजला होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ठीक है और यहाँ पर आपका अरेंजमेंट जो है वो 9+0 का रहता है. लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजला जो है इट शोज़ द 9+2 अरेंजमेंट एक बात. दूसरी चीज़ इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन और इनकी दोनों की मोमेंट्स जो है ठीक है वो भी किस तरीके से वो भी
डिफरेंट मोमेंटली जो है ऑर्गेनाइज मूवमेंट जो है इनकी, वो अलग तरीके से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। देन द लास्ट वन क्वेश्चन इज योर बेसल बॉडीज। तो ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, बेसल बॉडीज जो हैं इट हेल्प्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, राइट। बेसल बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, राइट। सो हेयर वी ऑल कंप्लीटेड द 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेल चैप्टर। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।